सो स्टूडेंट, अभी हमने एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड दोनों के अलग अलग क्वेश्चन के. नाउ आई एम टेकिंग वन एग्जांपल और उसमें हम दोनों केस करेंगे साथ में साइमल्टेनियसली, सो दैट इट वुड बी मोर क्लियर टू यू कि हमें क्या करना है और एड में हमें क्या करना है. ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन हम ले रहे हैं और उसके दोनों केस हम ले रहे हैं. क्वेश्चन है, फाइंड the least number must be subtracted from 2509 to make it perfect square. Similarly, हम यही question ले रहे हैं, find the least number which must be added to 2509 to make it perfect square. दोनों में क्वेश्चन सेम है, केवल एडेड और सब्ट्रैक्ट का डिफरेंस है और बेसिक स्टेप हमारी जो है वो तो हमें दोनों क्वेश्चन में करना है. 2509 को आइदर यू कैन फैक्टराइज और यू कैन यूज लॉन्ग डिविजन मेथड. रूट फाइंड करने के लिए तो हमें इतना करना ही होगा. ठीक है, अब हम यहाँ ऐसा नंबर चूज करेंगे तो ये तो बहुत ही क्लियर दिख रहा है, 5 5 20 5, 0 आ गया. 5 हमने इमीडिएटली यहाँ ऐड कर दिया, 10 हो गया. पेयर कॉपी किया, पेयर इज 0 9. ऑब्वियस है यहाँ 10 आ चुका है और ये 9 है, मीन्स हम यहाँ कुछ भी लेंगे तो वो सॉल्व नहीं होगा बिकॉज दिस इज वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू दिस, राइट. तो अब ऐसे हम क्या करेंगे, एक जीरो लगा के, क्योंकि हम डिवाइड में भी यही करते हैं, तो सिमिलरली हम यहाँ करेंगे 100 0 0 0 एंड नाउ योर रिमाइंडर इज 9. ठीक है, ये हो गया आपका रिमाइंडर. ये जीरो क्यों लगाया हमने, क्योंकि ये आगे डिवाइड नहीं हो रहा है और अभी हमने डेसिमल या आगे और जीरोस लगाने वाला पैटर्न नहीं पढ़ा है, तो हमें यहीं स्टॉप करना होगा. और जब हमें यहीं स्टॉप करना है तो हमारा रिमाइंडर क्या हुआ, 9. अब हमारे क्वेश्चन का था, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस. सो 9 इज द नंबर, लीस्ट नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस. ठीक है, तो अब आप क्या स्टेप लिखेंगे, 2509 minus 9, so it will become 2500. So आप लिखेंगे 9 is the required number which must be subtracted from 2509 and as a result आपको क्या मिला, 2500 which is a परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 50 और यू कैन से द स्क्वायर रूट ऑफ, ये दोनों स्टेप का मीनिंग जो है वो एक ही है, 50. सो इस क्वेश्चन में क्या था, 9 एक्स्ट्रा पार्ट था जिसे हमने रिमूव कर दिया, मीन्स सब्ट्रैक्ट कर दिया. अब ये का यही क्वेश्चन हम एडेड वाला केस लेंगे सो दैट आपको ये एकदम से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट कि हमें क्या करना है. ठीक है, उसके लिए हमें लॉन्ग डिविजन तक तो सॉल्व करना ही होगा क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास में, तो हम क्या करेंगे, 2509 को हम सॉल्व करेंगे. सेम कॉपी कर देती हूँ मैं जिससे जल्दी हो जाए, 5 5 25, रिमाइंडर 0, यहाँ 5 हमने ऐड कर दिया, इट विल बिकम 10. 09 मीन्स 9, 9 हमने कॉपी किया, ये 10 है ये 9 है तो आगे डिविजन नहीं होगा. सो हम क्या करेंगे, एक जीरो लगा के इसको 100 0 0 करके 9 विल रिमेन एज ए रिमाइंडर. ठीक है, इतना तो हमने सॉल्व कर लिया. इससे हमें ये क्लू मिल गया कि ये 50 के आसपास का नंबर, 50 के स्क्वायर के पास का नंबर है. सो हम 50 से एक ग्रेटर नंबर और यू कैन सी द सक्सेसर ऑफ 50 विच इज 51. सो हम क्या करेंगे, 51 का स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे. 51 का स्क्वायर क्या होगा, 51 into 51 विच इज इक्वल टू 2601. मीन्स ये नंबर
50 के स्क्वायर और 51 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, ये तो हमें क्लियर पता चल गया। तो हमारा स्टेप होगा, क्लियरली वी कैन ऑब्जर्व दिस नंबर 2509 इज लाइंग बिटवीन 2500 एंड 2601। आप ऐसा लिखें या इट इज लाइंग बिटवीन 50 स्क्वायर एंड 51 स्क्वायर, दोनों का मीनिंग जो है वो एक ही है, हमें पता चल गया। मीन्स 2509 में हम कुछ ऐड करें तब ये 2601 बन जाएगा। वो नंबर क्या ऐड करें, तो हम क्या करेंगे, 2601 माइनस 2509 करेंगे, द रिक्वायर्ड नंबर विच मस्ट बी एडेड इज 2601 माइनस 2501। तो आपको सब्ट्रैक करने के बाद रिजल्ट मिलेगा 92। सो द 92 इज द रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 2509 सो दैट यू विल गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। और वो क्या आएगा ऐड करने के बाद, वो बन जाएगा 2601 और 2601 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 51। सो सेम क्वेश्चन था, आंसर डिफरेंस हो गया। यहां पर 9 वाज द रिक्वायर्ड नंबर सबट्रैक्ट करने के लिए एंड यहां पर 92 इज द रिक्वायर्ड नंबर ऐड करने के लिए। तो मैंने एक क्वेश्चन इसीलिए लिया कि जिससे आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए कि सब्ट्रैक्ट में हमें क्या करना है, कहां पर जाके स्टॉप हो जाना है, और ऐड वाला जो केस है उसमें हमें एक स्टेप और आगे करना है, जो भी रूट आया उससे एक नंबर बड़ा उसका सक्सेसर लेके सॉल्व करना, ठीक है। सो नाउ मूविंग टू द अनदर एग्जांपल। सो अभी हमने एक साथ एक ही क्वेश्चन के दोनों केस लिए, अब मैं फटाफट बहुत सारे क्वेश्चन लूंगी और बिल्कुल स्पीड में सॉल्व करूंगी जिससे आप हर सिचुएशन से थ्रू हो जाए कि इस तरह का कैसा भी क्वेश्चन आए हमारे मार्क्स लूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन जो मैं ले रही हूँ, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। Subtracted from 7581 to obtain perfect square. ठीक है, क्वेश्चन इज 7581। सिंपल से स्टेप है, सब्ट्रैक्शन वाला तो और इजी है क्योंकि हमने काफी सारे प्रैक्टिस कर लिए, इससे आपकी स्क्वायर रूट की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और सब्ट्रैक्शन के केस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। हमने पेयरिंग बना ली, 75 मिल गया हमें, 81 मिल गया। हम ऐसा नंबर चूज करेंगे कि जिससे 75 मिल जाए या उससे लेस। सो ऑब्वियस है 8 8 64, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहां पर हमें इमीडिएटली ऐड करना है, ये स्टेप आपको नहीं भूलना है, ठीक है। हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ऑब्वियसली हम ये पेयर कॉपी करेंगे। अब यहाँ हम ऐसा नंबर चूज करेंगे जो हम यहाँ भी लिखेंगे यहाँ भी, तो आइदर यू विल गेट दिस और इससे लेस, दोनों केस हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 7 से देंगे, 7 167 7 1169। ऑब्वियस है छोटा है तो कुछ रिमाइंडर मिलेगा, सो रिमाइंडर इज 12। सो यहां पर आपका 12 इज द रिक्वायर्ड नंबर विच मस्ट, 12 इज द लीस्ट रिक्वायर्ड नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जो भी आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो फाइनली आपको रिजल्ट मिलेगा, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 में से 2 गया तो 9 बचा, 7 में से 1 गया तो 6 बचा, 7569। सो दिस इज योर लीस्ट, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आया 7569। साइमल्टेनियसली यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे जो हम एडिशन का लेंगे।
another question is find the least number which must be added to 62032 obtain a perfect square. Question is 6203. Same procedure. हमें square root तो find करना ही होगा. Long division method use करेंगे. Pairing बना देंगे. ठीक है. इतना तो अब आपको याद हो जाना चाहिए. इतने हमने सारे question लिए हैं. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. ऐसा नंबर चूज करेंगे जो हमें 62 दे या उससे कम. तो 7 7 49, 62 में से 49 गया तो रिमाइंडर बचा 13. 7 इमीडिएटली यहाँ ऐड करेंगे सो विल गेट 14, राइट. पेयर कॉपी होगा 03, कॉपी हो गया. अब हम ऐसा नंबर चूज करेंगे जिससे मल्टीप्लाई करने से या तो 1303 मिल जाए या उससे कम. सो 148 8 1 1 8 4. इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कुछ रिमाइंडर मिलेगा एंड रिमाइंडर इज 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ हुआ 9. 9 में से 8 क्या 1 1 1 1 1 9 इज द रिमाइंडर. ठीक है. ना अगर ये सब्ट्रैक्शन का केस होता तो हम क्या करते इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देते बिकॉज दिस इज योर रिमाइंडर. बट दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिशन विच नंबर मस्ट बी एडेड. तो हमें एक और स्टेप आगे करना होगा. हमें नियरेस्ट तो मिल गया नंबर 78. मैंने आपको पहले भी बताया इससे एक बड़ा नंबर हम ले लेंगे दैट इज 79. मीन्स इसका सक्सेसर ले लेंगे. सबसे पहले हम 79 का स्क्वायर फाइंड करेंगे. सो द स्क्वायर ऑफ 79 इज 6241. अब हम लिखेंगे हमारा जो क्वेश्चन है 6203 इज लाइंग बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 78 एंड 79. ये स्टेप अब आपको याद हो जाना चाहिए क्योंकि ये क्लियर हमें पता चल रहा है कि ये 78 के स्क्वायर से तो बड़ा है एंड 79 के स्क्वायर से तो छोटा है. तो हमें इसमें कुछ ऐड करना होगा जब ये 79 का स्क्वायर बन सकता है. तो हम क्या करेंगे 79 का स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी है 6241. उसमें से हम 6203 सब्ट्रैक्ट करेंगे. आप इसके पहले स्टेप लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर विच मस्ट बी एडेड इस. इनको सब्ट्रैक्ट किया. इनको सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिला 38. मीन्स 38 इज द रिक्वायर्ड नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 6203 सो दैट इट विल बिकम 6241. और जब ये 6241 बन जाएगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 679. तो एडेड में हमें ये एक स्टेप आगे करना है. सब्ट्रैक्टेड में हमें यहीं पे माइनस करके रुक जाना है. ठीक है. तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन लिए एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन से ये बहुत ईजी लगने लगे. अब हम जो क्वेश्चन लेंगे लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट. मीन्स अब हमें नंबर नहीं दिया और हमें पता करना है कि हमें इसमें क्या करना है. ठीक है. नाउ आई एम टेकिंग एग्जांपल इन विच द नंबर इज नॉट गिवन बट दे हैव गिवन अ क्लू. राइट. फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट. फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर सेम हम यहां पे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है. ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर. लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट क्या होगा. लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स मैंने आपको पूरा चार्ट बता दिया था. लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज 1000 बिकॉज उससे बड़ा जो भी होगा उससे छोटा जो भी होगा वो क्या बन जाएगा 3 डिजिट. 1000 से अगर हम माइनस 1 कर दें तो इट विल गिव यू 999 तो वो 3 डिजिट हो जाएगा. तो 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो होगा
दैट इज 1000। अब यहाँ पर आपको ये डिसाइड करना है कि हमें पहले तो इस क्वेश्चन में व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड करना है या व्हाट नंबर लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड करना है, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए जो भी हमारा सॉल्यूशन होगा, लेट से हमारा आंसर आए 19, अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 3 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा, पर 19 ऐड करेंगे तो ये 4 डिजिट मेंटेन रहेगी। इट मीन्स, ये तो मैंने एक एजम्पशन लिया कि लेट से आंसर इज 19, हमें इस क्वेश्चन में एडेड वाला प्रोसीजर ही करना है, राइट? तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, नॉर्मल लॉन्ग डिविजन मेथड से सॉल्व करेंगे। पेयरिंग कर ली हमने, 10 है तो ये 3 3s ही हो जाएगा, बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। 3 हमने ऐड कर दिया, हमने पेयर कॉपी किया तो ये हो गया 100, 61 ones are 61, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, रिमाइंडर जो होगा दैट इज 39। लेट्स से हम 1000 में से 39 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ऑब्वियस है ये 10 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस ये पैटर्न ये वाला तो नहीं है, मींस हमें आगे प्रोसीजर करना पड़ेगा, राइट? हमें नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर मिल गया है 31, इससे एक जो बड़ा होगा नंबर दैट इज 32। तो सबसे पहले हम 32 का स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, द स्क्वायर ऑफ 32 इज 1024। नाउ यू विल राइट, इट इज क्लियरली ऑब्जर्व दैट 1000 इज लाइंग बिटवीन 31 स्क्वायर एंड 32 स्क्वायर, सो द रिक्वायर्ड नंबर विच मस्ट बी एडेड इज क्या होगा, 1024 में से हम 1000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो यू विल गेट 24। सो 24 इज द रिक्वायर्ड नंबर। 24 ऐसा नंबर है कि जो हम 1000 में ऐड करेंगे तो बन जाएगा 1024, और उसका जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो उसका स्क्वायर रूट आएगा 31। 4 डिजिट का सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 1024। वो कब आएगा, जब हम इस 1000 में 24 को ऐड करेंगे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, इसी पे बेस्ड इमीडिएटली मैं एक और लास्ट क्वेश्चन ले रही हूं, जिससे अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हमें कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन में आप क्या कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें एडेड वाला पैटर्न लगाना है कि सब्ट्रैक्ट वाला, ये जानबूझ के मैंने साथ में लिया है। सबसे पहले तो हम ग्रेटेस्ट नंबर निकाल लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, हमें सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर हो। अगर हम इसमें एडेड वाला प्रोसीजर लगा देंगे तो वो तो 6 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम जब 5 डिजिट नंबर में कुछ ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 6 डिजिट का नंबर। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, तो हमें इसमें कौन सा पैटर्न लगाना है, सब्ट्रैक्शन वाला, ठीक है? करके देखते हैं कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम नंबर फाइंड करेंगे, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 9999, ठीक है? इसमें हम कुछ भी अगर गलती से ऐड करेंगे तो ये 6 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन जो है जस्ट कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, तो हमें यहाँ ऐड वाला पैटर्न नहीं करना है, राइट? यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन ही करना होगा, विच लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। तो उसको फाइंड करने के लिए हम ऑब्वियस है हमारा जो प्रोसीजर है वो फॉलो करेंगे, नंबर लिखेंगे, पेयरिंग करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, 3 से डायरेक्टली जा रहा है, 3 3s are 9,
यहाँ पर 3 ऐड कर देंगे, सो इट विल बिकम 6. नाउ 99 कॉपी होगा तो ये 1 जा से ही जाएगा, 61 1 जा 61. 2 जा क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि 62 2 जा 124 हो जाएगा जो ग्रेटर हो जाएगा, तो हमें ग्रेटर लेना होता है क्या? नहीं. यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, सो रिमाइंडर इज 38. अभी ये छोटा है और ये बड़ा है, तो हम एक और पेयर कॉपी करेंगे. हमने कॉपी किया, यहाँ पर हम ऐसा नंबर सोचेंगे जो हम यहाँ भी लिखेंगे और हम यहाँ भी लिखेंगे. लेट से हमने 6 जा लिया, 626 6 जा, 626 6 जा होता है 3756. इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर 6 हम ऐड कर देंगे, ठीक है. इसको जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर हमारे पास आया 143. अब हमारा आंसर होगा द रिक्वायर्ड नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, मीन्स 99999, ठीक है. इस क्या होगा, इसमें से हमें 143 को सब्ट्रैक्ट करना होगा. 99856 जो है ये ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है. पर ये आया कैसे, 143 को सब्ट्रैक्ट करने से. तो यहां पर आपका आंसर होगा दिस इज 143, दिस इज योर आंसर, 143 इज योर आंसर. तो आपके सामने दोनों क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट है, वहां पर आपको ऐड करना पड़ा, क्योंकि अगर आप ऐड नहीं करते तो वो आंसर जो है वो 3 डिजिट में कन्वर्ट हो जाता और क्वेश्चन जो है हमारा फेल हो जाता. सिमिलरली यहाँ ग्रेटेस्ट दे दिया है तो हमें यहाँ सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, क्योंकि अगर हम इसमें ऐड करते तो ये 6 डिजिट में कन्वर्ट हो जाता, जबकि हमारा क्वेश्चन क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट. तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर 99856 ही ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट निकलेगा, इसके बाद जो है वो अब जो हम ऐड करेंगे तो वो 6 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा. सो स्टूडेंट आई हैव टेकन लॉट्स ऑफ एग्जांपल फॉर यू कि जिससे आप इसमें कोई भी सिचुएशन में फंस जाए तो सॉल्व कर सकें. और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये पैटर्न जो है एग्जाम में आता ही है, तो आपको फुल मार्क्स लाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना ही होगा, ठीक है.